बदायूं से हम आपको बताएंगे। दो बच्चों की हत्या के मामले में इस वक्त बड़ी खबर है। पीड़ित परिवार के पड़ोसियों ने बच्चों की मौत के पीछे तंत्र मंत्र के एंगल का दावा कर दिया है। पीड़ित परिवार के एक पड़ोसी ने दावा तो ये किया कि ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। पड़ोसी के दावे के मुताबिक हम आपको इस वक्त बताएंगे, आरोपी साजिद के बच्चे जीवित नहीं बचते थे, यानी उसकी बीवी प्रेग्नेंट तो होती थी लेकिन बच्चे नहीं बचते थे, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। ऐसे में किसी तांत्रिक ने उसे किसी की हत्या करने की बात कही थी और उसी के बाद साजिद ने वारदात को अंजाम दे दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए इंतजार करना होगा। मोहल्ले में दो चीजें होती है, जहाँ से आप सब्जी खरीदते हैं और जहाँ से आप बाल कटाते हैं। यहाँ पर आपको जाना ही जाना है, तो इन लोगों के व्यवहार के बारे में हर कोई जानता होगा, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे। एक शख्स हमारे साथ है, आप जावेद की दुकान पर जाते थे, साजिद की दुकान पर जाते थे? जी जाते थे। कभी आपको लगा कि ये व्यक्ति दो मासूम बच्चों की हत्या कर सकता है? कभी भी नहीं। कैसा बर्ताव था, व्यवहार कैसा था? बढ़िया था एकदम। आखिरी बार आप कब गए, आपने कब बातचीत हुई, क्या क्या थोड़ा सा विस्तार से बताइए उसके बारे में। परसों गया था मैं सेविंग कराने और बाल कटवाने, तो ऐसा तो कोई मैटर नहीं था। ये कहते हैं कि आपस में कोई दुश्मनी भी है क्या, क्योंकि संगीता ये कह रही है हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कभी कोई जानकारी उन्हीं को होगी, ये तो जानकारी उन्हीं को होगी। दो साल है वही है यहाँ मकान बने, दो साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो साजिद और उनकी दुकान पे आप जाते थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस तरीके से चीजें कर सकते हैं? हम तो हमारे 15 साल हो गए यहाँ मकान हमारे को, और ये भी 12 साल का दुकान है। सादे से लगते थे, ऐसा कोई झगड़ालू टाइप के, लेकिन भाई अंदरूनी क्या बात है किसी को कोई सा पता नहीं है। क्या मैटर, तंत्र मंत्र की क्या बातें चल रही है भैया? ये तो नहीं मालूम। ये ऐसा हो रहा है जैसे इन लोगों का रोजा चल रहा है, तो इसके जो अभी नैनी इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी मरते वो जीवित नहीं रहते थे, तो किसी तांत्रिक ने बोला था क्या नाम है किसी का, आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। चर्चा लोग कुछ कह रहे हैं, कहा मालूम है या ना है, जितने मुंह उतनी बातें हैं। बदायूं में मासूमों की हत्या की एक आरोपी को तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, वहीं दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुट चुकी हैं। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कत्ल की वजह जानना है। पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचे इससे पहले कत्ल की एक ऐसी वजह को लेकर जो एंगल सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, और वो एंगल है तंत्र मंत्र का। एक रिपोर्ट देखिए आप। तो क्या तंत्र मंत्र की वजह से हुई दो मासूमों की हत्या? तो क्या औलाद की चाह में मां के दुलारों को मार डाला? बदायूं में मासूम भाइयों की हत्या के मामले में ये चौंकाने वाला पर्दाफाश किया बच्चों के पड़ोसियों ने। आरोपी की दुकान और पीड़ित का घर आमने सामने है, जाहिर है वहां रहने वाले लोग दोनों को बखूबी जानते हैं। पड़ोसी हैं तो घर से परिवार तक के हालात की भी पूरी जानकारी रखते हैं, और इस मामले में एक जानकारी ऐसी है जो इस डबल मर्डर की वजह हो सकती है। तो वजह जिसका जिक्र पहले एक पड़ोसी ने किया, फिर मासूमों की दादी ने किया। इन लोगों का रोजा चल रहा है, तो इसके जो अभी नैनी इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी मरते वो जीवित नहीं रहते थे, तो किसी तांत्रिक ने बोला था क्या नाम है किसी का, आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। चर्चा लोग कुछ कह रहे हैं, कहा मालूम है या ना है। हमारे बच्चे को रह गए तंत्र करने को, अरे हमारे बच्चे नहीं थे, उसी के बच्चा था। अरे किसी को अपने कुछ भी और तंत्रगंध करता, किसी के बच्चे से बच्चे मिल जाते हैं, सोचो पहले आप भी बच्चे वाले हो गए। किसी के धन से धन मिलता है अपनी मेहनत से, किसी के बच्चे मार के बच्चे मिलते हैं, जब हमारे अच्छे कर्म करोगे तभी चीज मिलती है। उससे जे पूछी जाए हमारे जे है उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए। हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको, जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे, उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलकर। कत्ल की वजह यही है, फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन आरोपी के बारे में पड़ोसी की दूसरे के जिगर के टुकड़ों के कत्ल की बातें हम सुनते रहे हैं। खैर, पुलिस कत्ल की वजह तलाश रही है और जाहिर है वो इस एंगल से भी जरूर जांच करेगी, सच भी सामने आएगा, लेकिन तब तक मासूम भाइयों के कत्ल तंत्र मंत्र की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। बदायूं डबल मर्डर केस में इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो हम आपको बता दें। पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी जावेद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जावेद को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से जारी है। फिलहाल पुलिस साजिद के पिता
और चाचा से इस वक्त पूछताछ कर रही है। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके पिता और चाचा। इस वक्त हम पहुंचे हैं सखानू, जो उस घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर है, और ये साजिद जावेद का घर है। फिलहाल घर पर कोई मौजूद नहीं है। उनकी जो माता हैं, उनको भी, उनके पिता को और उनके चाचा को ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ से उठाया हुआ है, क्योंकि जब ये खबर यहाँ तक पहुंची तो पुलिस तलाश में यहाँ पर गई थी जावेद की, जावेद नहीं मिला तो परिजनों से पूछताछ करने के लिए उनको अपने साथ यूपी पुलिस यहाँ से उनको लेके गई है। लेकिन जब हम गांव वालों से बात करते हैं और जब हम साजिद या जावेद के बारे में बात करते हैं, चाहे फिर वो बाबा कॉलोनी हो या सखानू जो जावेद और साजिद का गांव है, सभी लोग एक ही सुर में बोलते हैं और कहते हैं कि जावेद और साजिद तो ऐसे लगते ही नहीं थे कि दो मासूम बच्चों की हत्या कर सकते हैं। खासतौर से साजिद गांव वाले कह रहे हैं कि ऐसा कभी परिवार ने कुछ किया नहीं कि पुलिस भी यहाँ पर आए, लेकिन जो हुआ है, दो बच्चों की जान गई है, उसमें कहीं ना कहीं जावेद और साजिद का गांव भी उसी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, बदायूं। बदायूं में हुई सनसनीखेज वारदात पर अखिलेश यादव का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पुलिस सतर्क रहती तो ये घटना होती ही नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि बदायूं की घटना प्रशासन की नाकामी है और एनकाउंटर से नाकामी आप नहीं छिपा सकते। अखिलेश यादव ने बदायूं की घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस अगर अलर्ट होती तो किसी भी सूरत में ये घटना होती ही नहीं। दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से, ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है, पूरे प्रशासन की नाकामी है। और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं, हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं।